जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का। तो आज है 4 नवंबर 2022 और गुड मॉर्निंग आप सभी लोग को। एक नई वैकेंसी आ चुकी है आईटीबीपी के अंतर्गत। आज ही इसकी नोटिफिकेशन रिलीज हुई है, लेकिन अभी आज से इसका ऑनलाइन स्टार्ट नहीं है, लेकिन ऑनलाइन डेट आ गया है ऑफिशियल वेबसाइट पे। और इस भर्ती की सारी जानकारी दूंगा। और सबसे पहले बता दूं कि ये जो है लड़के लड़कियां दोनों के लिए है, लड़के और लड़कियां मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी गुड न्यूज़ जो है ये इसमें पोस्ट भी अच्छी है, ठीक है। और सबसे पहले बता दूं कि सिर्फ क्वालिफिकेशन आपको 10th पास, लड़का हो या लड़की 10th पास चाहिए। एज इसमें 18 से लेके कम से कम आपके 27 साल के बीच में होना चाहिए, ठीक है। इतनी अगर एलिजिबिलिटी है, आपके पास क्वालिफिकेशन है, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और बेसिक जो हाइट है मैंने आपको बताया था 157 के अराउंड फीमेल की होनी चाहिए, और यहाँ पे 165 के अराउंड मेल का होना चाहिए। और कैटेगरीज वाइज छूट है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए, इस भर्ती की पूरी जानकारी देने से पहले आपको स्टेप बाय स्टेप पोस्ट का नाम बताता हूँ। और ये आई है आईटीबीपी की, ठीक है। ये आईटीबीपी की वैकेंसी है कांस्टेबल की। कांस्टेबल ट्रेडमैन मेल और ट्रेडमैन फीमेल। ट्रेडमैन के अंतर्गत कई सारी पोस्ट होती हैं। तो इसमें 246 लड़कों के लिए है, ठीक है, और 41 पोस्ट लड़कियों के लिए है। कांस्टेबल में टेलर हो गया, गार्डनर हो गया, कॉबर हो गया, मतलब 10th पास है, ठीक है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, तो आप दुकान से 50 रुपये में बनवा सकते हैं, आपके शहर में जो भी कोई होगा नामी इंस्टीट्यूट या कुछ भी, उसके नाम से ये तो चलता है। या आपने ITI किया है तो वो भी लगा सकते हैं। ये कांस्टेबल मेल ट्रेडमैन के लिए था। और उसी में अगर कांस्टेबल सफाई वाला है तो सिर्फ क्लास 10th पास सफाई का एक्सपीरियंस बना लीजिएगा, चलेगा, ठीक है। फीमेल के लिए क्लास 10th पास ही है, ठीक है। किचन वाला काम, ठीक है, वॉशरमैन, बार्बर, ठीक है, कर्मचारी, यहाँ पे भी 10th पास ही है। भारत के किसी भी बोर्ड से हैं तो वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। रही बात की अब जनरल OBC ST के लिए कितनी सीट हैं, वो ज़्यादा मायने रखता है। तो आपको बता दूं कि नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसमें जो पे स्केल है उस पर भी बात करेंगे। 7th पे स्केल लागू है। इसमें 21,000 से आपकी सैलरी स्टार्ट होती है और करीबन 70,000 के आसपास जाएगी, ठीक है। ये अलग बात है कि सैलरी हर महीने या हर 6 महीने पर बढ़ती रहती है। अब कितनी कितनी पोस्ट हैं वो ऑफिशियली देख लेते हैं। आईटीबीपी के अंतर्गत जो ये वैकेंसी आई है, पोस्ट मायने रखती है। कांस्टेबल टेलर के लिए जो है टोटल 18 वैकेंसी है, जिसमें जनरल के लिए 5 है, SC के लिए 3 है, ST के लिए 2 है, OBC के लिए 4 है, EVS के लिए 2 है, टोटल 16 है। और यहाँ पे कांस्टेबल गार्डनर के लिए 16 है, मेल फीमेल इसमें डिवाइड है, ठीक है। फिर यहाँ पे मेल के लिए जनरल में 5 है, फीमेल के लिए 1 है, यहाँ पे अब OBC के लिए 4 है, ऐसे करके यहाँ पे टोटल है। कांस्टेबल कोबल के लिए यहाँ पे मेल फीमेल 9, जनरल के लिए, OBC के लिए 8, उसी के लिए सफाई कर्मचारी के लिए यहाँ पे मेल के लिए 24 है, फीमेल के लिए 4 है। मतलब रेशियो 1:4 है, मतलब 6 चौके 24, 1:6 रेशियो है। अगर एक पोस्ट मेल का है तो 6 पोस्ट फीमेल, मतलब एक एक फीमेल का है तो 6 मेल का, ऐसे रेशियो है। कांस्टेबल वाशरमैन का भी कुछ ऐसा ही है, 5 5 6 30, यानी 28 है इनका मेल का। बार्बर के लिए भी सेम वैसे ही पोस्ट है, ठीक है। यहाँ तक तो पोस्ट की बात कर लिए, अब बात कर लेते हैं, नीचे आ जाते हैं। इसमें जो आपकी 18 से 23 साल एज मिनिमम चाहिए, और उसके बाद जो छूट निर्धारित है कास्ट वाइज छूट निर्धारित है, 10th पास है, एक्सपीरियंस, ये दोनों आपको लगाना ही लगाना है। और का मतलब होता है यदि आपके पास ITI का है तो वो भी आप लगा सकते हैं। फीमेल के लिए सिर्फ 18 से 25 साल, 10th पास हैं किसी भी बोर्ड से तो वो अप्लाई कर सकते हैं। ये सफाई कर्मचारी के लिए है और बार्बर के लिए, ये मेल फीमेल दोनों पोस्ट के लिए ये है, सिर्फ 10th पास, 18 से 25 साल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन जो चालू होने वाला है, आपकी डेट दी गई है वो 27 तारीख से पहले 23 तारीख थे। यहाँ पे आज आपका 4 तारीख हो गया। एक सेकंड में आपको डेट, यहाँ पे मैं आपको डेट दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो फीस है 100 रुपये है, सभी लोगों के लिए निर्धारित किया गया है, फीमेल के लिए शायद फ्री होगा। और यहाँ पे जो इसी वेबसाइट पे आप www.requirement.itbp.nic.in पे जाके रजिस्टर्ड करेंगे, अप्लाई करेंगे, पहले से ID पासवर्ड बनाए तो उसी में लॉगिन करके अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी ओपन 23rd नवंबर, आज है 4 नवंबर, 23 नवंबर यानी 19 दिन बाद इसका ऑनलाइन स्टार्ट होगा। साथ ही साथ में आपको जो ऑनलाइन की डेट खत्म होगी वो 22 तारीख 12 महीना 2022 को क्लोज होगी, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये क्लोज का डेट है, ठीक है। आपको बेसिक ये मैंने बता दिया। तो ये ITBP की वैकेंसी है। साथ ही साथ में आई होप इससे पहले आप लोगों ने फॉर्म डाले होंगे,
एसएससी जीडी के अंतर्गत सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी या एसएससी जीडी की जो आने वाली है। तो इस समय मार्केट में चिप्सू पब्लिकेशन की प्रैक्टिस सेट और गाइड बुक चल रही है, जिसके अंतर्गत आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर, ठीक है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर और सिलेबस और टॉपिक पता चल जाता है, और नए प्रैक्टिस सेट और करेंट अफेयर, ये सब कुछ जो कॉम्बिनेशन है आपको मिलता है, जिससे आपकी प्रैक्टिस और भी आसान हो जाती है। साथ ही साथ में ये पेपर आप फ्री, ये जो पेपर है, ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं, जो किताब है, जो पुराने क्वेश्चन आंसर है, ये जो एसएससी जीडी का 2021 में एग्जाम हुआ है, जो भी हुआ है, ये बिल्कुल FREE फ्री है। कहाँ पे फ्री है? हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ये पढ़ा है सॉल्यूशन के साथ, ये पूरा A to Z नए नए पेपर है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर है फ्री। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे आसाम राइफल चाहे एसएससी जेडी के नाम से पीडीएफ पड़ी होगी, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर लो, लगाओ इस बुक को, किताब को, देखो प्रैक्टिस सेट कैसा है, ठीक है। नए नए क्वेश्चन भी मिलेंगे, पुराने क्वेश्चन भी, देखो यहाँ पे आपको इतना मिलेगा, ये और भी है नीचे नए नए पेपर, ये भी मिलेगा आपको, बहुत सारे हैं। ऐसे ही करके आएंगे तो बहुत आपको नीचे मिलेगा, बहुत सारा है, ऐसे ही करेंगे ना, बहुत सारा है। अभी तो नहीं है, नंबर सीरीज से बहुत कुछ है, ठीक है, नए नए पेपर सॉल्यूशन है, बहुत है, ठीक है। तो वहाँ से आप जाके इसको ले सकते हैं, और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया, आप वहाँ से भी जाके ले सकते हैं। तो ये मैंने बता दिया, फीस सिर्फ जनरल ओबीसी ईवीएस के लिए 100 रुपये है, एससी एसटी के लिए फ्री, फीमेल के लिए फ्री, ठीक है। लास्ट डेट भी मैंने बता दिया आपको, और आई होप इससे रिलेटेड कोई आपके दिमाग में और सवाल होगा तो आप, और साथ साथ में ये जीडी की सेट था उसे आप जरूर देख लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।